वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT राउरकेला का तरफ से नॉन टीचिंग पोस्ट पर ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आ गया है 13 दिसंबर 2022, जिसमें ITI पास स्टूडेंट, डिप्लोमा पास स्टूडेंट, 12th पास स्टूडेंट और भी BTech पास स्टूडेंट, बहुत सारा इसमें ब्रांच का स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अभी हम अपने घर जा रहे हैं, तो अभी रोड पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज़ आप लोग का आ सकता है, तो आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, कितने कितने पोस्ट है। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 1, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर के लिए 1 सीट है। इसके बाद एक एक पोस्ट का आप देख सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, इसमें 36 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 3 सीट है। SAS असिस्टेंट, इसमें 1 पोस्ट है। इसके बाद सीनियर टेक्नीशियन एंड टेक्नीशियन दोनों में डिप्लोमा स्टूडेंट और ITI पास स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ITI पास स्टूडेंट के लिए सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पे 12 और टेक्नीशियन पोस्ट पे 29 सीट है। और इसमें भी आप देख सकते हैं PWD के लिए कितना सीट है। कैटेगरी आप लोग वैकेंसी को देख सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर मैं आप लोग को इसका नोटिफिकेशन डाल दूंगा। और एक बात आप लोग को याद रखना, ये नोटिफिकेशन पहले भी आया था, और पहले आप देख सकते हैं 2018 में एक नोटिफिकेशन आया था, 2020 में। तो दोनों रिक्रूटमेंट का फिर से आप लोगों का इसमें कंबाइंड करके इसका पोस्ट निकाला गया है। और एक बात आप लोगों को याद रखना है, जो भी स्टूडेंट इन दोनों एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म डाला था, और अगर आप लोग इसका कोई भी अपडेट आप लोग को नहीं मिला था, तो आप लोग को दोबारा इसका अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को जो पुराना आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर था, इसमें आपको वो भी बोला है, पुराना जो आप लोग का ओल्ड एप्लीकेशन नंबर था, वो भी आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको फिल करना पड़ेगा। तभी उन लोगों को पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड है, आप पहले भी फॉर्म फिलअप किए हैं और अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो उसका हिसाब से आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग का एज अगर आप लोग का ज़्यादा हो गया, तब भी आप लोग को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा ओल्ड एप्लीकेशन नंबर देने पर, ठीक है। और इसके बाद आपको ये भी बताया जा रहा है, ऑलरेडी पेड रिक्रूटमेंट फी विल बी फॉरफिटेड, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं आपको इसका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया, लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए क्या है आप देख सकते हैं सब कुछ। इसका बाद मैं ITI स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए पर्सनली डिस्कशन कर देता हूँ। सबसे पहले टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं Level 3 में आप लोग को सैलरी मिलेगा 21,700, इसका बेसिक बनेगा। और पेमेंट 21,769,100 रुपीज़ आप लोग रहेगा। अपर एज लिमिट जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए 27 ईयर्स है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें टोटल 4 क्वालिफिकेशन पूछे, कोई भी एक अगर आप लोग का पास है तो आप लोग इसको फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। 12th में अगर आप लोग का साइंस था और उसमें 60% मार्क्स था, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते। एक क्वालिफिकेशन अगर आपका पास नहीं है तो 12th आप लोग का होना पड़ेगा। इंटरमीडिएट में आप लोग का 50% मार्क्स होना चाहिए, इसके लिए आप लोग का साइंस स्ट्रीम से होना जरूरी नहीं है। 50% अगर आपका मार्क्स है और ITI अगर 1 साल का सर्टिफिकेट है, तब भी आप लोग इस फॉर्म को डाल सकते हैं। अगर आप लोग का इंटरमीडिएट मतलब 12th पास भी आप लोग नहीं है, तो आप लोग 10th प्लस ITI 10th में आप लोग का 60% मार्क्स होना पड़ेगा, प्लस ITI सर्टिफिकेट 2 साल का अप्रोप्रिएट ट्रेड में होना चाहिए। और इसमें ऑल ITI ट्रेड इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जैसे मैकेनिकल ब्रांच में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिकल ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन सभी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोग का रेलिवेंट ब्रांच में इंजीनियरिंग है 3 ईयर्स का, तो 3 साल का डिप्लोमा है, तो तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सीनियर टेक्नीशियन के लिए सेम टू सेम क्वालिफिकेशन रहता है, बट इसका अपर एज लिमिट ज़्यादा होता है, 33 ईयर्स, ठीक है। क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन एकदम 100% सेम टू सेम है, ठीक है। इसका बाद आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए भी आप देख सकते हैं, आप लोग का 12th पास होना पड़ेगा और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना पड़ेगा, और कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेड शीट आप लोग का होना पड़ेगा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सीनियर असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं 12th पास होना पड़ेगा, इसके लिए भी 35 वर्ड पर मिनट होना पड़ेगा, कंप्यूटर वर्ड प्रोफिशिएंसी स्प्रेडशीट होना चाहिए। इसका बाद ACS असिस्टेंट, जिसमें आप देख सकते हैं बैचलर डिग्री स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग में BE BTech सिविल इंजीनियरिंग से अगर आप लोग है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। या फर्स्ट क्लास आप लोग का, फर्स्ट क्लास मतलब 60% से ज़्यादा आप लोग का डिप्लोमा में स्कोर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, तभी आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें 33 पोस्ट है, इसमें पे लेवल देख सकते हैं, पे लेवल 6 में आप लोग का सैलरी मिलेगा 35,400, इसका बेसिक बनेगा। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स दिया गया, और एज आप लोग का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC स्टूडेंट को 5 साल का और OBC स्टूडेंट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट BE BTech MCA होना चाहिए, और अदरवाइज फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग
इन रिलीवेंट ट्रेड या अदरवाइज फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन साइंस से आप लोग का होना चाहिए या मास्टर डिग्री इन साइंस से आप लोग का होना चाहिए और 50% मार्क्स उसमें कंपलसरी होना है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वालिफिकेशन देख सकते हो नोटिफिकेशन को पढ़ कर। इसमें सबसे अच्छा बात है, पहले क्या होता था NIT का जब भी एग्जाम होता था तो NIT जहाँ का जैसे NIT राउरकेला का एग्जाम है तो NIT राउरकेला में आपको जाके एग्जाम देना पड़ता था, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर भी कुछ अलग अलग जगह में दिया है, तो मैं आप लोग को बताऊँगा। उससे पहले अनडिजर्व और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 100,000 रुपीज़ इसको पेमेंट करना पड़ेगा। EWS SC ST स्टूडेंट के लिए और PWD कैंडिडेट स्टूडेंट के लिए 500 रुपीज़ इसको पे करना पड़ेगा। SBI कलेक्ट का थ्रू आपको पे करना है। इसके बाद आपको बताया जा रहा है जो कैंडिडेट पहले इन दोनों एडवर्टाइज नंबर पर फी पेमेंट कर चुके हैं उसमें आप लोग को और पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है पड़ेगा। फिर से आप लोग सुन लीजिए, जो कैंडिडेट पहले इन दोनों एडवर्टाइज नंबर पर फॉर्म किए हैं तो वो सभी स्टूडेंट को पेमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, और आप लोग जब भी इसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोग करवाएंगे तो आप लोग को अपना पुराना वाला एप्लीकेशन फ़ी का रिसिप्ट भी आपको दिखाना पड़ेगा जो SBI कलेक्ट से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको बताया जा रहा है आप लोगों का ईमेल एड्रेस पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा और आपको भेजना भी पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप करना कैसे पड़ेगा वो भी मैं आप लोग को अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। और एग्जामिनेशन सिटी आप देख सकते हो, उससे पहले आप लोग का सबसे पहले ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा। और रिटन टेस्ट आप देख सकते हैं कहाँ पर होगा और स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट कहाँ कहाँ पर होगा आप देख सकते। जैसे स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट सिर्फ और सिर्फ राउरकेला होगा, रिटर्न टेस्ट राउरकेला, भुवनेश्वर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, मेन सिटी में आप लोग का एग्जामिनेशन होगा। कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ये जो आपका लिंक दिया इस पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो फॉर्म फिलअप करने का बाद शायद आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन, हाँ तो अगर आप लोग कैसे फिलअप करना पड़ेगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ, रास्ते में है, तो उतना अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है। जितना आप लोगों को बताना था नोटिफिकेशन आया मैं आपको बताया हूँ। फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। फॉर्म अगर आपको भेजना भी पड़ेगा ऑफलाइन वो भी मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा। तो तब तक साथ में जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।